नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। विभागीय नियमों को ताक में रखते हुए फतेहसागर झील के किनारे 100 मीटर के दायरे के अंदर निर्माण को लेकर खबरों का प्रकाशन किया गया, जिस पर संबंधित नगर निगम के विभाग ने नियमों को ताक में रखकर और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए निर्माण करने वाले जिम्मेदारों को नोटिस भी थमाए। एक नोटिस के बाद एक अन्य नोटिस थमाने के पश्चात भी संबंधित विभाग ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, उसके चलते निर्माणकर्ता के द्वारा जो निर्माण फतेहसागर झील के 100 मीटर के दायरे के अंदर किया गया, वह फतेहसागर पर लगे हरे पेड़ों की वजह से साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि हम यह स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि पेड़ किसने कटवाए, लेकिन फिलहाल दुकान और प्रतिष्ठान जो निर्माण करवाया गया उसके सामने के जो लगे हुए हरे पेड़ थे, जो फतेहसागर की सौंदर्यता को बढ़ा रहे थे, उन्हें काट दिया गया। जब वहाँ पर जो लोग काट रहे थे, जब हमसे उनसे बात करी और पता लगाया कि आखिरकार ये पेड़ किसके आदेश पर काटे जा रहे हैं, तो संबंधित पेड़ को काटने वाले लोगों ने पहले अपने आप को निगम का कर्मचारी बताया और उसके बाद यूआईटी का, और थोड़ी ही देर बाद वो क्या कुछ कहने लगे आप स्वयं सुनिए। कौन से विभाग से? निगम, नगर निगम से आए। निगम से? निगम से नहीं, यूआईटी से। ये पेड़ इसलिए कट रहे हैं, ये जितने भी है ना, अभी भ्रमण की गाड़ी चालू हो रही है। अच्छा, टूरिस्ट जो आते हैं अपने, नॉर्मल छोटी बसें होती हैं वो तो निकल जाती है, वो डबल डेकर चलती है साइड सीन की, ठीक है। उसमें क्या होता है, टूरिस्ट ऊपर भी बैठता है, नीचे बैठता है, ऊपर से रहती ओपन, कांटे के झाड़ निकलते हैं, उसमें किसी के लग गए कर गए तो अपनी बदनामी उदयपुर शहर की। उसके लिए हम परमिशन लेके आए कि छलवर है, मतलब ये निगम से परमिशन, आप निगम से परमिशन ला रहे हैं? छटिंग करवा रहे आप निगम से हो नहीं, लेकिन शुक्र परमिशन लेके आए ना। और आपने किससे परमिशन ली? सतारा जी से ली, बाहर साहब से ली है। गाड़ी आपकी है? हाँ, चेटक ट्रैवलिंग। हमारी इस गाड़ी में अभी परसों के दिन ही, परसों सॉरी चार दिन पाँच दिन हो गए, उससे फट जाता, वो भी थे गवर्नमेंट अधिकारी, तो उन्होंने कंप्लेंट करी ऑफिस में, हमारे मेन जो ओनर है उनको, उन्होंने कहा हम बात करके छटिंग करवा दें, काट तो रहे नहीं पेड़ को। एक और पेड़ को काटने वाले जहां अपने आप को पहले निगम का कर्मचारी बता रहे थे, फिर उसके बाद यूआईटी का, जब हमने सभी बताए हुए कर्मचारियों से जिन्होंने इनसे स्वीकृति ली उनसे बात की, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि हमने किसी प्रकार की कोई किसी को स्वीकृति नहीं दी है। हालांकि उन सभी के नाम को जानने की वजह से संबंधित व्यक्ति पत्रकार से बात करते हुए बता रहा है कि शिवराम जो अग्निशमन दल के हैं उनसे स्वीकृति ली, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने मना किया, और संबंधित अन्य अधिकारियों से भी बात करके पता लगाया तो सभी ने मना किया।